प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे रमज़ान की आमद आमद है और हर जगह पे ना तैयारियों का और प्रिपरेशन का सिलसिला शुरू हो चुका है तो मैं भी ग्रॉसरी करके आई थी इसी सिलसिले में काफ़ी डिटेल से और काफ़ी टाइम लग गया था मुझे लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें मुझे नहीं मिल पाई और अभी कुछ चीज़ें मतलब कि इतनी अच्छी ऑफ़र्स में भी नहीं थी इसी मैंने नहीं ली तो जो जो चीज़ें मैंने ले ली थी और जो लिस्ट मैंने बनाई थी कि आज मैं क्या क्या बना के रखूँगी क्या प्रिपेयर करके रखूँगी तो वो मैंने ख़रीद ली थी और मैं आज उन्हीं की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी सारी ये एपिसोड वन है और इन शैकेंड एपिसोड भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी अच्छा तो सबसे पहले जो मैंने बना के रखा था ना वो है पकौड़ा मिक्स आ, ये मुझे बहुत कन्वीनियंट रहता है मैंने पिछले साल भी बनाया था और मुझे इतनी आसानी हो गई थी ना ख़ास तौर पे जिन लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है और अफरा तफरी में बार बार मसाले निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है तो ये मेथड बहुत इजी है अच्छा आपने करना क्या है कि एक के जी मैंने बेसन लिया है फ़्रेश ताज़ा बेसन मैंने लिया है और उसमें मैंने दो से तीन टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डाल दिया एक टेबल स्पून भर के मैंने नमक का डाल दिया है और उसके बाद मैंने ना दो से तीन टेबल स्पून जो होते हैं ना अनारदाना वो मैंने डाल दिया ठीक है सारे सूखे मसाले इसमें जाएंगे दो टेबल स्पून ही इसमें मैंने कसूरी मेथी डाली है और उसके बाद मैंने ना एक बंस जो होता है ना धनिए का वो मैंने ड्राई कर लिया था माइक्रोवेव ओवन में और एक आधा बंस जो है ना पुदीने का वो मैंने ड्राई कर लिया था तो वो मैंने ड्राई करके उसको हाथों से मसल लिया था वो मैंने डाल दिया था उसके बाद ज़ीरा भून के थोड़ा सा मैंने उसको पीसा था ज़्यादा नहीं मैंने पीसा था तो मोटा मोटा पिसा वो डालना और जो क्यूमिन सॉरी कोरिएंडर सीड्स होते हैं सूखा धनिया वो मैंने डाला था अच्छा इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करें दो तीन दफ़ा और उसके बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में ना डाल के आप रख सकते हैं ठीक है तो ये आपका महीने दो महीने के लिए ना आराम से फ्रिज के बगैर भी ना सही रहेगा अच्छा उसके बाद मैं बना रही हूँ ब्रेड क्रम्स तो ब्रेड क्रम्स मैंने क्यों बनाए क्योंकि अक्सर जो लास्ट वाले पीस होते हैं ना ब्रेड के वो बच जाते हैं बच्चे नहीं खाते हैं या किसी और रीज़न से बच जाते हैं साइड्स भी कभी बच जाती हैं तो मैंने ड्राई कर लिए थे एयर ड्रायर उनको कर लिया था एक दो दिन रखा था तो हार्ड हो गए थे उसके बाद मैंने पीस के तो इस तरह से मैंने मोटे मोटे इसके ब्रेड क्रम्स बनाए बहुत ज़्यादा मैंने इसको बारीक नहीं पीसा है थोड़े से मोटे फिर जब वो फ्राई करते हैं ना आप कोई भी चीज़ तो वो अच्छे लगते हैं बिल्कुल पिसे हुए ना वो क्रंची फ्लेवर नहीं आपको देते हैं तो इसीलिए मैंने थोड़े से इस तरह से बना के ये भी रख लिए थे और ये भी बहुत इजी हो गया काम बाज़ार से ख़रीदने नहीं पड़ते हैं और जो ब्रेड होती है वो आपकी ज़ाया होने से भी बच जाती है उसके बाद मैंने बनाए थे ऑफ कोर्स चने बॉईल करके रख लिए थे रात को अगर आप भिगो दें ना चने तो आपको मीठा सोडा वगैरह डालना नहीं पड़ता मैं बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ मीठा सोडा और अगर आपने रात में नहीं भिगोए तो आप सुबह के टाइम अगर भिगोना चाह रहे हैं तो ना उसमें नीम गर्म पानी में उनको भिगोएं दो घंटे के लिए तो वो भी बहुत जल्दी अच्छे सही हो जाते हैं गला लिया था मैंने इतना कि बस हाथों से ना अच्छी तरह से वो ईज़िली मसले जाएँ इतने आपने बॉयल करने हैं चने ठीक है इनको भी मैंने दो तीन पैकेट्स में डाल के रख दिया था आपने सालन बनाना हो आप सालन बना सकते हैं चना चाट बनानी हो आप वो बना के रख सकते हैं दही बड़ों में भी यूज़ होते हैं तो काफ़ी इजी हो जाता है इस तरह से काम मैनेज करना फैमिलीज़ बड़ी हों तो भी आ, मतलब के इजी हो जाता है और बच्चे छोटे हों तो भी इस तरह से काम थोड़ा थोड़ा करके पहले रखा हो ना तो इजी हो जाता है अच्छा फिर मैंने ना चिकन मेरे पास पड़ा था मुझे बोनलेस चिकन इस दफ़ा मिला तो नहीं लेकिन ये पहले ही मैंने ना थोड़ा सा जो पड़ा था उसको मैंने ना आ, मसाला लगा के नमक काली मिर्च सोया सॉस चिली फ्लेक्स और एगेनो और ये सारी चीज़ें डाल के ना तो मैंने इस तरह से गला लिया था थोड़ा दही भी डाल दिया था और कुछ मैंने इस तरह से ना फिले काट लिए थे और इसको मैंने स्पाइसी वाला रखा था जो पहले मैंने आपको दिखाया वो मैंने नॉर्मल रेगुलर स्पाइसेस रखे हैं अच्छा इन दोनों को मैंने गला के रख लिया था और इनको मैंने पैकेट्स में डाल इसको मैंने ग्रिल किया और दूसरे वाले को मैंने अच्छी तरह से गला के उसको मैंने श्रेड कर लिया अच्छा इससे क्या फ़ायदा होगा कि अभी कभी आप सैंडविचेस बना रहे हैं कभी आप कोई रोल वगैरह बना रहे हैं तो जल्दी जल्दी बस आपने चिकन निकाला थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स डाली मायनीज डाली तो आप ज़बरदस्त से ना बना सकते हैं सैंडविचेस बहुत जल्दी जल्दी और फिलिंग रेडी होती है तो बस आपने स्पाइसेस और दूसरे वेजिटेबल्स रेडी करनी है तो आपका ये मसाला भी जो है ना बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा तो ये दोनों मैंने पैकेट बना के रख लिए थे एक मैंने बर्गर्स वगैरह के लिए रखे हैं ये फिले काट के और एक मैंने सैंडविचेज़ uh, के लिए रखें उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी एशियन कुकिंग में तो मैंने रात को रात को नहीं बल्कि सुबह ही मैंने छीला था तो अगर आपने बनाना और आप चाहते हैं कि ये ग्रीन ना हो अगर आप फ्रीज़र में नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसको ना ऑयल में ग्राइंड कीजिएगा थोड़ा मुश्किल से ग्राइंड होता है ऑयल में लेकिन ना आप महीना भर भी इसको फ्रिज में रखेंगे तो इसका कलर कभी भी चेंज नहीं होता है तो दो तरीके मैं आपको बता रही हूँ एक तो आप इस तरह से इसको किसी ट्रे में लेकर फैला लें स्प्रेड कर लें ले अच्छी तरह से उसके बाद आपने ना इस तरह से ये कट लगा लेने हैं इसमें और ये देखें कितने अच्छे से ना वो स्प्रेड हो गया और फ्रीज़ कर लिया मैंने उसके बाद इसके बाद आप छुरी से थोड़ी देर के लिए निकाल के रखेंगे और छुरी से निकालेंगे या किसी और स्पैचुला से शार्प एज वाले तो आसानी से निकल आएगा ये देखें ये आसानी से निकल आए आप इसको हाथों से तोड़ लें ये एक टेबल स्पून के करीब ना आपकी जो एक बाइट कह लें या एक पीस कह लें वो बन जाएगा और आप इसको महीना दो महीना बड़े आराम से आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं और ये ग्रीन बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि इसको हमने ऑयल में ग्राइंड किया है ठीक है पानी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला है ज़्यादा मैंने ऑयल ही इसमें डाला है और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट भी हमारा रेडी हो गया आ, बहुत आसान होता है ये भी बना के रखना मैं तो फ्रीज़ नहीं करती हूँ लेकिन मैंने आपको एक मेथड दिखाने के लिए कि इस तरह से भी फ्रीज़ किया जा सकता है आप जार में भी रख सकते हैं और आप इस तरीके से भी क्यूब्स में काट के भी रख सकते हैं उसके बाद मसाले होते हैं जो डेली की डेली कुकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ख़ासतौर तो पर ज़ीरा पाउडर और कोरिएंडर पाउडर और गरम मसाला तो ये सारे मसाले भी मैंने ड्राई रोस्ट करके ना इनको मैंने ग्राइंड किया जब आप ड्राई रोस्ट करके करते हैं ना तो उसकी एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है और वो ना देर तक जो होते हैं ना वो फ़्रेश रहते हैं आप पंद्रह दिन का बीस दिन का ग्राइंड करके रख लें तो इस तरह से ना उसकी खुशबू देर तक अच्छी रहती है तो मैंने ये पीस लिए दोनों मसाले ज़्यादा मकदार में मैंने पीसे थे एक तो अभी यूज़ हो जाएंगे और कुछ रमजान के दौरान हमारे यूज़ हो जाएंगे मैंने जिप लॉक बैग में डाल के रख दिए तो इनकी खुशबू वग़ैरह पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा तो ये काफ़ी चीज़ें जो हो गई ना इस तरह से छोटे छोटे काम हाथ के हाथ करने में इजी लगते हैं लेकिन जब आप ख़ास तौर पे रोज़ा रखा होता है फिर बच्चों की स्कूलिंग भी होती है आपने बच्चों दूसरों का रोज़ा भी अफ्तार करवाना होता है तो छोटे छोटे काम भी ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अच्छा उसके बाद मैं बना के रख रही थी कबाब सीख कबाब मैंने बना के रखे थे आप चाहे तो इसी रेसिपी से कोफ्ते भी बना के रख सकते हैं और दूसरे फ्लैट चपली कबाब जो होते हैं वो भी बना के रख सकते हैं मैंने क्या किया था मैंने एक के कीमा लिया बीफ का और उसमें तीन बड़े प्याज ना मैंने डाले प्याज थोड़े ज़्यादा डालेंगे ना तो आपका बहुत ज़्यादा वो कबाब सॉफ्ट बनेंगे अच्छा तीन बड़े प्याज डाले हैं आठ से दस हरी मिर्चें ली थी और हाफ बंच मैंने हरे धनिया का लिया था अच्छी तरह से मैंने इसको चॉप कर लिया मैंने पानी स्क्वीज आउट नहीं किया ठीक है ए, कुरियंडर पाउडर डाला है क्यूमिन पाउडर डाला है रेड चिली पाउडर डाला है मैंने इसमें और फिर इस मैंने इसमें एक टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डाल दिए और इसके बाद जो मसाले इसमें जाएंगे ना वो गर्म मसाला पाउडर है एक टेबल स्पून नमक मैंने डाला एक टेबल स्पून अपने जायके के हिसाब से आप कर सकते हैं चिली पाउडर मैंने कम डाला था इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा तिक्का मसाला डाल रही हूँ आप तंदूरी भी डाल सकते हैं उसके अलावा और जो फ्लेवर आपको पसंद है वो डाल सकते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाला है अच्छी तरह से आप इसको मिक्स करें और क्या उसे कहते हैं अपना एक घंटे के लिए इस मिक्सर को रख दें और उसके बाद कबाब बनाना स्टार्ट करें तो मीडियम साइज़ के मैंने कबाब बनाए हैं अच्छा इस कबाब से क्या फ़ायदा होगा पहले बना के रखने का आप कबाब रोल बना सकते हैं आप बच्चों को वैसे दे सकते हैं ब्रेड के साथ आप सालन बना सकते हैं आप इफ्तार अगर वगैरह किसी की करवाना चाह रहे हैं तो आप सर्व कर सकते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है अगर आप इसी मिक्सर से कोफ्ते बनाना चाहते हैं वो भी आप बना के रख सकते हैं अच्छा इन कबाब को ना मैंने बहुत कम ऑयल में पकाया है वो भी मैं मेथड आपको बताती हूँ जो लोग डाइट पे होते हैं रमज़ान के दौरान बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपनी डाइट के लिए वो ये मेथड जरूर नोट करें अच्छा मैंने पैन में थोड़ा सा बिल्कुल पानी लिया पानी नहीं था बल्कि गीला था पैन ठीक है मैंने उसको ड्राई नहीं किया इस तरह से आपने कबाब जो है वो सारे रख लेने हैं और उसके बाद ना आपने इसमें थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा पानी आप कह लें एक डेढ़ चम्मच आपने पानी का डालना है फ्लेम आपने बिल्कुल मीडियम मीडियम से भी बल्कि लो रखना है और इसको कवर करके ना आपने पाँच मिनट के लिए ना दोनों साइडों से पाँच पाँच मिनट के लिए आपने पकाना है पानी अगर आप ना भी डालेंगे मैंने इसलिए डाला कि अक्सर लोगों के पास जो नॉन स्टिक होते हैं ना वो नहीं होते तो इसलिए मैंने पानी डाला अदरवाइज़ कबाब ख़ुद ही पानी रिलीज़ कर देंगे क्योंकि इसमें प्याज वग़ैरह शामिल है ये देखें और भी पानी हो गया इसमें तो इसको हम पलट लेंगे और अब आंच जो है ना जो फ्लेम है इसकी वो थोड़ी सी हम हाई कर देंगे और दो टेबल स्पून के करीब आपने इसमें ऑयल डालना है दो टेबल स्पून बल्कि एक टेबल स्पून में भी ये काफ़ी रहेगा बीफ़ में भी थोड़ा सा फ़ैट होता है तो वो ना ऑयल जो है ना वो रिलीज़ हो जाएगा निकल आएगा ऑयल तो आपने बस इसको ना आ, हिलाते हिलाते इस तरह से ग्रिल करते करते आप समझ लें कि आपने कबाब अपने फ़्राई कर लेने हैं ये देखें कितने अच्छे फ्राई हो गए हैं बिल्कुल जो है ना वो सॉफ्ट इतने बने थे क्योंकि हमने इनको स्टीम कर लिया था आप चाहें तो स्टीम करके भी रख सकते हैं और आप चाहे तो इनको फुली डन करके भी रख सकते हैं अच्छा ये देखें जो भी इसके साथ लगा था ना थोड़ा बहुत वो मैंने निकाल लिया दूसरा बैच डालने से पहले ताकि काले ना हों दूसरे भी कबाब और ये देखें कितने सॉफ्ट बने हैं इतने मज़े के बने थे टेस्ट भी बहुत अच्छा था इसका और बच्चे तो कह रहे थे अभी हमारे लिए फ्राई कर लेंगे मैंने कहा ना ये भाई मैंने बहुत मेहनत की इसको रमज़ान के लिए मुझे थोड़ा सा ना रिलैक्स हो लेने देना सुकून करने देना तो ये अभी तो मैंने एक बैच बना के रखे और एक इन आप इसी रेसिपी से ना आप चिकन के भी बना के रख सकते हैं ठीक है तो मैं चिकन के भी बना के रखूँगी लेकिन अभी मैंने फ़िलहाल सिर्फ़ बीफ के रखे हैं तो ये रेसिपी भी आप सेव कर लें रमज़ान के लिए बहुत आसानी हो जाएगी आपको और इसको फ्रीज़ करें ये भी आप एक महीने तक इजीली फ्रीज़ कर सकते हैं अगर तो आपकी लाइट जाने का कोई भी इशू नहीं है लाइट नहीं जाती है और टेम्परेचर जो है वहाँ पे एक जैसा रहता है तो फिर इस तरह से चीज़ें फ्रीज़ करके रखने में महीना दो महीना कोई भी इशू नहीं होता है अच्छा उसके बाद मैं बना रही थी मसाला हांडी का मसाला अक्सर लोग ये बना के रखते हैं मैं यूजुअली नहीं रखती लेकिन क्योंकि रमज़ान है तो मैंने सोचा ये मेथड बहुत अच्छा रहता है मैंने एक के जी अनियन लिया था इसको मोटा मोटा काट लिया था रफली आपने इसको काट लेना है ऑयल डाला था हाफ कप ऑयल मैंने थोड़ा ही डाला है जब हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा पिंक हो जाएगा तो मैंने हाफ़ के जी टमेटो लिए थे टमेटोज आप अपने जायके के या मसाले के हिसाब से ले सकते हैं तो साथ में पाँच से छः हरी मिर्चें बल्कि आठ से दस आप हरी मिर्चें डालें हा जब ये सॉफ़्ट होने लगेगा ना टमाटर को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है वरना पानी छोड़ देगा सारा ये ऑयल में तो आपने इसको निकाल लेना यानी नि, सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाएं आप दम पे बनाना चाहते हैं पानी ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप दम पे भी बना सकते हैं जब वो गल जाएंगी थोड़ी चीज़ें तो आप इनको ग्राइंड कर लें ठंडा होने पर तो ये देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया आप इस्टेज पर धनिया और पुदीना भी डाल के फ्राई रखना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं ये मैंने बग़ैर पानी डाले इसको ग्राइंड किया क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी सारी तो इसलिए पानी डालने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है तो ये ग्राइंड हो गया बस आप ग्राइंड अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कर लें आपको बहुत ज़्यादा बारीक पिसा हुआ चाहिए थोड़ा मोटा मोटा मसाला चाहिए अच्छा इसे एक के से ना मैंने चार बॉक्सेस बना लिए तो ये चार बॉक्सेस समझ लें कि आपके चार खानों के लिए ना बहुत ही आसानी हो गई है बाकी आप जितना भी चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं वो आपकी अब अपनी मर्जी है दो के जी का बनाना चाहे मैंने और कोई स्पाइसेस ऐड नहीं किए वो फिर जिस तरह की हांडी बनानी हो ना उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं उसके बाद मैं ग्रीन चटनी बना रही थी ग्रीन चटनी मेरे घर में मस्ट है ख़ास तौर पे दाल भी बनी हो तो हम लोग बहुत बना के रखते हैं तो मैंने पुदीना और धनिया दोनों ले लिए थे इनको मैंने धो के पत्ते निकाल लिए थे उनके अच्छा धनिया मैं वैसे भी आपको ना धनिया और पुदीना सेव करने की एक टिप दे रही हूँ अगर आप फ्रीज़ नहीं करना चाहते हैं तो साफ़ करके धो लें धो के हल्का सा सुखा लें उसके बाद टिश्यू पेपर बिछाएं एक कंटेनर में और फिर धनिया रख के पुदीना रख के आप ना स्टील का एक चम्मच रख दें उसको कवर कर दें तो आप ना देखेंगे कि दस दिन तक आपका धनिया बिल्कुल फ्रेश रहेगा आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि वो धनिया ना दोबारा से आप बार बार काटें या देखें कि ख़राब तो नहीं दस दिन तक ईजीली ये रह सकता है अच्छा इसमें मैंने सिर्फ नमक डाला है और दो तीन गार्लिक डाले हैं और इसको ग्राइंड कर लिया थोड़ा सा पानी डाल के अगर आप सिलबट्टे पे पीसना चाहते हैं आप वैसे भी कर सकते हैं ब्लेंडर से करना चाहते हैं जैसे आपको ईजी लगे तो मैंने इसको जो आइस क्यूब ट्रे होती है ना उसमें मैंने रख लिया है तो इससे बहुत अच्छे ना एक एक क्यूब एक एक चम्मच के लिहाज से लाइक एक बाउल जो होता है ना दही के रायते का वो बन जाएगा और फ्रीज़ हो जाते हैं तो फ्रेशनेस भी इसकी ना मेंटेन रहती है तो ये मैंने धनिया भी इस तरह से करके रख लिया तो मुझे ना हफ़्ता दस दिन बड़ा सुकून रहता है निकाला और बस आसानी से हमने इसको इस्तेमाल किया कुछ लोग इसमें एक अंडा भी रख देते हैं जो अंडा होता है बगैर बॉईल के वो भी रख देते हैं उससे भी ये काफ़ी कन्वीनियंट रहता है उससे भी ख़राब नहीं होता है अच्छा ये चटनी हमारी फ्रीज़ हो गई थी ये मैंने निकाल लिया है ये देखें एक एक क्यूब आसानी से निकल भी आता है और फ्रीज़ भी हो जाता है और अगर ये मिक्स भी हो जाए ना भी आप फ्रीज़ करके रखना चाहिए तो भी ये एक हफ्ता तक फ्रिज में बिल्कुल सही रहती है तो ये इसको भी मैंने जी लॉक बैग में डाल लिया अच्छा इसके बाद मैं बना रही हूँ लास्ट में इसमें बन रही है जी हमारी चटनियाँ तो इमली की चटनी बना रही हूँ और एक और मैं बड़ी स्पेशल चटनी बना रही हूँ उसकी रेसिपी दोनों की मैं आपको दे देती हूँ ये फोर हंड्रेड ग्राम इमली है ठीक है इसको मैंने नीम गर्म पानी में भिगो के उसके बाद थोड़ा सा और पानी डाल के बॉयल करने रख दिया है। और ये मैंने ना ख़ुबानी का सूखी खुबानी नहीं मुझे मिली तो मुझे ख़ुबानी का पेस्ट ये मिल गया था तो मैंने यही ले लिया ये भी तकरीबन फोर हंड्रेड ग्राम है तो काफ़ी वैसे ईजी हो गया था ना ये ये इस तरह से आपको किसी भी कंपनी का मिल जाएगा और ये सूखी खुबानी से थोड़ा ज़्यादा चीप है और क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है बना हुआ पेस्ट है ये रेडीमेड तो आपने क्या करना है बस इसको इमली जब बॉयल आ जाएगा तो आपने इसमें ये डाल देनी है नहीं तो आप अगर आप ड्राई ख़ुबानी यूज़ करें तो इन दोनों को भिगो के तो आप एक साथ गला, गला सकते हैं ठीक है इनको आप अच्छी तरह से देखिए मैंने अभी थोड़ा ही पानी डाला है पानी में थोड़ा और डालूँगी इसमें और ये देखें ये सारी दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं और इमली भी बहुत अच्छे से अब मैं इसमें से ना सीड निकाल लूँगी अच्छा मैंने जो लिए ना स्ट्रेनर जो लिया था वो बहुत बारीक था स्ट्रेनर थोड़ा मोटा लें ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था ना तो खैर अब मैंने शुरू किया हुआ था काम तो ख़त्म मैंने करना ही करना था तो बस काफ़ी टाइम लगा के ना मैंने ये सारा स्ट्रेन कर लिया था अब इसके बाद ये देखिए मैंने पानी थोड़ा सा डाल के और मैंने इसमें ये सीजनिंग कर रही हूँ मैं मैंने नमक डाला है हाफ टी स्पून तीन चम्मच मैंने चीनी के डाले थे एक टेबल स्पून मैंने चाट मसाला डाला था और एक टी स्पून मैंने चिली फ्लेक्स का डाला था ठीक है इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे ना हम पकने के लिए रख देंगे जितनी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए अच्छा ये मेरा लास्ट टास्क था दिन का तो मैं नहाने चली गई थी और मैं ना आग थोड़ी तेज़ी थी इसके नीचे तो पूरे किचन में ना वो स्प्लैश उसके बढ़ पड़ के ना तो वो सारा गंदा हो गया तो ये काम मेरा और बढ़ गया खैर चटनी हमारी रेडी हो गई थी उसके बाद जो दूसरी चटनी है वो भी उसकी रेसिपी मैं आपको दे देती हूँ ये रेसिपी खैर फ्रीज़ करने के लिए तो नहीं है लेकिन रेसिपी बहुत अच्छी है तो मैंने सोचा अभी लगे हाथों ये बना लेती हूँ इसके लिए मैंने इमली का पल्प लिया एक टमाटर लिया है, एक कप इमली का पल्प था एक टमाटर था चार से पाँच गार्लिक लॉफ थे अनारदाना और जीरा और हाफ बंच हमने धनिया का लेना और एक बंच हमने पुदीने का लेना ठीक है इन सारी चीज़ों को हम ब्लेंडर में डालेंगे और बगैर पानी डालें क्योंकि इमली का पल्प हम डाल रहे हैं तो पानी डालने की आपको ज़रूरत नहीं है तो इसको आपने बना के तो ग्राइंड कर लेना इन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड करना है बिल्कुल आपने ना बारीक इसको पीस लेना ठीक है टमाटर ऑप्शनल है अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं लेकिन ये भी ना हफ्ता आराम से फ्रिज में रह लेती है लेकिन मैं इसको फ्रीज़ नहीं करूँगी ये वैसे दाल वगैरह के साथ सब्ज़ी वगैरह के साथ ये बहुत अच्छी लगती है चटनी ना मुझे बहुत मजे की लगती है इसलिए मैं अक्सर बना लेती हूँ इसको तो ये मैंने डाल ली हैं दोनों चटनियाँ और ठंडी हो गई थी इमली की भी चटनी तो मैंने ग्लास कंटेनर्स लिए हैं कोशिश करें कि आप सारी चीज़ें जो है ना ग्लास के कंटेनर्स में यूज़ करें एक तो उनमें स्मेल नहीं पड़ती है और उस उसमें चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती हैं प्लास्टिक में यहाँ तो सुस्ती लग जाती है या उसको फंगस लग जाती है तो ग्लास कंटेनर हमने लिए हैं इनको अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिया है और उसके बाद हम इसमें ना चटनी डाल रहे हैं अपनी और ये चटनी बड़ी मुश्किल से मैंने डाली है क्योंकि ठंडी ज़्यादा हो गई थी तो इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो गई थी अच्छा दोनों चटनियाँ मैंने डाल ली हैं अच्छा ये चटनी तो रमज़ान से पहले ही हम लोग यूज़ कर लेंगे रमज़ान में मैं फ़्रेश बैच बनाऊँगी ये खट्टी चटनी का लेकिन इमली की चटनी मैं फ्रीज़ कर लूँगी दोनों हमारी चीज़ें रेडी हो गई हैं सारी अलहमदिल्ला से सारा जो मेरा आज का टास्क था ना वीकेंड का वो ये सारी चीज़ें बना के रखने का तो और अल्हम्दुलिल्लाह से वो पूरा टास्क जो है कंप्लीट हो गया है मेरा और उम्मीद करती हूँ आपको भी ये टिप्स और रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगेंगी इन नेक्स्ट एपिसोड के साथ मैं हाज़िर होती हूँ बहुत जल्द सब्सक्राइब कर लें चैनल को और शेयर करें थैंक यू